कि पंजाब इंजीनियरिंग स्वागत है। ये पल्वराइजर मशीन अपना पतीला पसंद, इसमें मिर्ची, हल्दी, धनिया सभी ग्रेनी होते हैं, ठंडे मसाले ग्रेनी होते हैं। उसमें मिर्ची डालने से सबसे पहले मिर्ची यहाँ आती है, ये चलता है। ये चलने के बाद इसमें क्या है कि मेहनत वगैरह आता है वो अपना यहाँ पर चल जाता है। जो पंखा पत्थर रहते हैं वो यहाँ से मिट्टी गिर जाती है। उसके बाद जो मान लेता है मिट्टी, वो आपको यहाँ से घर से खींच के उसके चेम्बर के अंदर ग्रेनी होती है। ग्रेनी होने के बाद ये फाइनल माल यहाँ से पाइपलाइन द्वारा जाता है साइडों के लिए। साइडों पर इसके फाइनल माल निकलता रहता है। ऊपर जो फिल्म लगाई गई है वो मेरे के लिए फिल्म है। ये सब जो लगाया है डस्ट कलर है, ये डस्ट कलर के लिए फिल्म है। और ये उसके साथ मशीन के साथ जो मशीन है ना, मशीन में जो बेरिंग लगी रहती है, ये जापान कंपनी के टी एम कंपनी की बेरिंग लगी रहती है। बेरिंग बहुत अच्छी वो भी आती है अपना। और इसके साथ जो बेट कलर और जबकि इसके साथ आती है और ये डायरेक्शन पेड लग जाते हैं मशीन, जो कि मशीन पाइडेटिंग होती है। और एक मोटर अपनी यहाँ पर रखती है जो अपना माल करने जाने के लिए, तो दूसरी मोटर अपने वहाँ पे फ्लो पर लगाई जाती है जो माल खींच के साइड में बेल्ट में डालता है। यहाँ भी बेल्ट कवर आता है इसके पास में, उधर भी बेल्ट कवर आता है। और इसके चेंबर साइड में क्या रहता है, ये यहाँ जाली लगती है, यहाँ जाली लगती है। ये जो पत्ती आती है हाथ टेन पर पत्ती आती है और इसके अंदर एक गटर प्लेट लगे रहते हैं, चारों तरफ गटर प्लेट लगे रहते हैं। माल की बेल्ट की बारी करते हैं ये पत्ती के चारों कोने काम में आते हैं। ये ग्रेनिंग करने के बाद पत्ती तो आप पलटा भी लगा सकते हो, तो ये क्या पत्ती के लाइफ टाइम है। और बेरिंग लगी रहती है, बेरिंग जापान कंपनी एन टी एम के लगी रहती है। मशीन पूरी हैवी आती है। और हल्दी, मिर्ची, धनिया ये हर पर सब ग्रेनिंग होती है। जिसमें मसाले ग्रेनिंग होते हैं वो ठंडे मसाले ग्रेनिंग होते हैं, उसमें मसाले की क्वालिटी चेंज नहीं होती। जो ग्रेनिंग होती है वो ठंडा माल कैसा ही होता है। Thank you.